नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज जिसका एग्जैक्ट रूट अल्फा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफ अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि रूट जो फंक्शन में रख दिया जाए तो उसको सेटिस्फाई कर देगा। मान लीजिए एक्स एन फंक्शन का एन एच अप्रोक्सीमेट रूट है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स एन इक्वल टू अल्फा प्लस एच एन। ये एच एन दोस्तों एरर है, क्योंकि हमें रूट अप्रोक्सीमेट मिलता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे कोई भी मेथड यूज़ करें, वेदर टेबुला फालसी यूज़ करें, बाइसेक्शन करें या न्यूटन रैप्शन करें, ठीक है, तो आपको जो रूट मिलता है वो अप्रोक्सीमेट मिलता है। तो उस अप्रोक्सीमेट रूट में कुछ पार्ट एग्जैक्ट रूट का होता है और कुछ एरर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक्स एन हमारे फंक्शन का अप्रोक्सीमेट रूट है और अल्फा प्लस एच एन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ देन एक्स एन प्लस वन, ये क्या होगा, इसे भी आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें न्यूटन कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, तो न्यूटन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन ओवर फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव of x n। ठीक है ना, अभी आपको क्या करना है, आपको इन सब का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो एक्स एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस एच एन प्लस वन, एंड एक्स एन का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस एच एन माइनस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स एन का वैल्यू अल्फा प्लस एच एन एंड अल्फा प्लस एच एन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास में, अल्फा से अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, अभी हमें जो बचा वो लिखना है, दैट इज एच एन माइनस एफ ऑफ एक्स सॉरी अल्फा प्लस एच एन ओवर डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एच एन। ठीक है, अभी आप ये दो फंक्शंस में टेलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टेलर जब आप इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच एन माइनस एफ अल्फा प्लस एफ डैश अल्फा डॉट एच एन प्लस एच एन स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल डॉट एफ डैश डैश अल्फा प्लस सो वन, ऐसे मूव करेगा ये आगे की तरफ। ठीक है, अभी आपको फिर से क्या करना है, नीचे ये डिनोमिनेटर में भी आपको टेलर थ्योरम अप्लाई करना है, तो एफ डैश अल्फा प्लस एच एन एफ डैश डैश अल्फा प्लस एच एन स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डैश 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 अल्फा प्लस डैश डैश। ठीक है, अभी आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, दैट इज आपको एलसीएम लेना है सिंपली। जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा, ये एच एन का इन सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख ले रहे हैं, प्लस एच एन स्क्वायर एफ डैश डैश अल्फा प्लस एच एन क्यूब ओवर टू फैक्टोरियल एफ डैश डैश डैश, ये थ्री टाइम्स डैश है दोस्तों, अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मूव करेगा सही, और आगे वाले टर्म्स में है ये माइनस, जब अंदर जाएगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये आप मार्क करेंगे कि एफ अल्फा का वैल्यू मैंने शुरू में ही बताया आपको, ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा हमारा एग्जैक्ट रूट है, तो ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये को हम नहीं लेंगे, यहाँ बचे हुए टर्म्स को हम लिखेंगे, दैट इज यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो एच एन
एफ डैश अल्फा माइनस एच एन स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डॉट एफ डैश डैश अल्फा माइनस सो ऑन, ठीक है। नाउ एफ डैश अल्फा प्लस एच एन एफ डैश डैश अल्फा, इसको इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सारे टर्म्स आगे के नेगेट हो जाएंगे, वो बहुत छोटे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए एच एन एफ डैश अल्फा एच एन एफ डैश अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एच एच एन स्क्वायर डॉट एफ ऑफ अल्फा डैश डैश, यहाँ पे देखिए तो ये टर्म्स में से ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एच एन स्क्वायर एफ डैश डैश अल्फा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये बचेगा, वन में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। नाउ यहाँ पे हम एफ डैश अल्फा को रखेंगे और ये टर्म्स को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि एच एन हमारा एरर है और एरर बहुत छोटा है, अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर और भी छोटा हमें मिलेगा, तो ये वाले जो टर्म्स हैं आगे के इनको हम नेगेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे 1 बाई टू यहाँ पे क्या है, 1 बाई टू है यहाँ पे कांस्टेंट, एफ डैश डैश अल्फा कांस्टेंट है, एफ डैश अल्फा कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एच एन प्लस वन प्रोपोर्शनल टू एच एन स्क्वायर। दोस्तों ये जो डिग्री है ना, ये यही हमें बताती है न्यूटन रैप्शन का कन्वर्जेंस का डिग्री कितना है, तो न्यूटन रैप्शन के कन्वर्जेंस कितनी है, टू, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन इज टू। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।